नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। मेरे पास रुपए 300 मूल्य के रुपए 1, रुपए 2 और रुपए 5 वाले सिक्के हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। टोटल उनकी जो वैल्यू है वो है 300 रुपए। रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या है 160। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो बच्चों, सबसे पहले हमने मान लिया, क्योंकि 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्कों के तिगुने हैं, तो सबसे पहले हमने माना कि मान लो 5 रुपए के सिक्के हैं x, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए? जितने 5 रुपए के सिक्के थे उसका तिगुना, तो हो गया 3x। अब 1 रुपए के सिक्के हमें यहां नहीं दिए, तो वो कैसे निकलेंगे? देखो, सिक्कों की कुल संख्या है 160। 5 रुपए के जितने सिक्के हैं प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे, उसको 160 में से माइनस कर देंगे। कुल सिक्के 160, इसमें से माइनस कर दो जितने 5 रुपए के सिक्के हैं और जितने 2 रुपए के सिक्के हैं, इन दोनों को, तो ये आ गया 160 माइनस एक्स प्लस 3x हो गया 4x। ये हो गई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब ध्यान से देखना, 5 रुपए के सिक्के हैं x, इसको 5 से गुना कर देंगे, आ जाएगा इनका पैसा कितने रुपए हो गए? 2 रुपए के सिक्के हैं 3x, इसको 2 से गुना कर देंगे तो इतना पैसा रुपए आ जाएंगे। ऐसे ही 160 माइनस 4x है, यदि इसको 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने रुपए हैं। समझे बच्चों? 5 रुपए के 5 सिक्के हुए तो पैसे कितने, रुपए कितने हो गए? 5 गुना 5 125। ऐसे 5 रुपए के x सिक्के थे तो x गुना 5। अब मैं इनको प्लस करूंगा, देखो 5 रुपए के सिक्के हैं x, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x गुना 5। 2 रुपए के सिक्के कितने? 3x। तो रुपए टोटल कितने हो गए? 3x को 2 से गुना कर देंगे। 1 रुपए के सिक्के कितने? 160 माइनस 4x माइनस 4x, इसको 1 से गुना कर देंगे। ये कहां से आया हमारे पास? ये 5 2 1 कहां से आया? 5 रुपए के सिक्के थे x, 2 रुपए के सिक्के थे 3x, 1 रुपए के सिक्के हैं 160 माइनस 4x, तो इनको गुना करके हमारे पास आ जाएगा कुल पैसा कितना है। और हमें पता है कि कुल जो रुपए थे हमारे पास वो थे, देखो शुरू में दिखा था 300 रुपए। अब इसे हम हल करेंगे, 5 को जब x से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, साथ में है x, 6x, 1 को इससे गुना करेंगे तो ये रकम ऐसी रहेगी, ये बन गया 160 माइनस 4x बराबर 300 रुपए। अब ध्यान से देखना, 5x प्लस 6x हो गया 11x, 11x में से x वाली, सिर्फ x वाली रकम आपस में प्लस माइनस होनी है। 5 और 6 11x, 11 में से 4 माइनस कर दिया 7x, तो यहां बच गया 7x। उसके बाद बिना x वाली एक रकम है यहां पे 160, एक रकम उस तरफ है 300, तो हम क्या करेंगे, इस 160 को उधर ले जाएंगे। यहां पर 300 पहले से है, 160 यहां प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि इसने बराबर का निशान क्रॉस कर दिया है। इतने और रुपए, यहां से देखो x बराबर 300 में से 160 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 30 में से 16 गए 14 रुपए। अभी एक चीज मिसिंग है, देखो ये 7x था, 7 इसके साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब इसको हम आपस में काट देंगे, 7 के पहाड़े पे हमें पता है 7 दूनी 14, 7 में है 0, तो ये 0 इसके साथ लग जाएगा। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपए। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपए आ गई। अब हमें निकालने हैं ये 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं 5 रुपए के सिक्के, उसके बाद 2 रुपए के सिक्के और उसके बाद 1 रुपए के सिक्के। ध्यान से देखना, 5 रुपए के सिक्के थे x, 2 रुपए के थे 3x, 5 रुपए के थे x,
2 रुपए के थे 3x और 1 रुपए के कितने सिक्के थे 160 - 4x, 160 - 4x। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल देंगे तीनों में। x की वैल्यू है 20, तो 5 रुपए के सिक्के हो गए x, x है 20, ठीक है। 2 रुपए के सिक्के हो गए 3x, यहां ना रुपए न मत लिखना क्योंकि ये रुपए से रुपए यहां कट जाएगा। 2 रुपए के सिक्के हो गए 3x, तो यानी 3 × 20, तो 3 × 20 कितना होगा 60। ऐसे ही 1 रुपए के सिक्के यानी 160 - 4x, 160 - 4 इंटू एक्स, एक्स था 20, देखो एक्स था 20, तो ये आ गया 160 - 4 इंटू 20, 20 चौका होता है 80, तो ये हमारे पास बन गया 1 रुपए के सिक्के 160 में से 80 निकाल दिए तो बाकी बच गए 80। इससे हम ये समझे 5 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हैं 20, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 60 और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 80, यही हमारा उत्तर है।